from my side and the entire Atypical Advantage team, really we are indebted to you for making it here. And now you may please proceed for viewing the exhibition, A Cup of Tea and Indian. So as the head of corporate partnerships of Atypical Advantage, I just want to bring to your notice that Atypical Advantage is India's largest integrated platform which provides income at scale for people with disabilities. So उसी के अंतर्गत हमने ये आर्ट एग्जीबिशन रखा है जिसमें जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये सब हमारे आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज़ ने बनाई हैं जो हमारा एक वर्टिकल है. इसके अलावा हमारा वर्टिकल है इंक्लूसिव हायरिंग जिसमें हम 50 से ज़्यादा MNCs के साथ आज की डेट में काम कर रहे हैं और Amazon, Barclays, Accenture, Wipro, TCS जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम हायरिंग करा रहे हैं पीपल विद डिसेबिलिटीज़. एक वर्टिकल हमारा और है जिसमें सिंगर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, स्टैंड अप कमेडियंस रहते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी होती है एंड यू कैन बुक देम फॉर योर कॉन्सर्ट्स और फॉर योर इवेंट्स. एंड द फोर्थ वर्टिकल इज़ इंक्लूसिव गिफ्टिंग जिसमें 85 से ज़्यादा NGOs के साथ हम जुड़े हुए हैं और जो भी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं दे आर सोल्ड थ्रू Atypical Advantage .in. एंड आई एम सो हैप्पी दैट टुडे दिस आर्ट एग्जीबिशन कुड टेक प्लेस ऑल थैंक्स टू द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप एंड मिस्टर नरेश कपूरिया जी ऑफ आर्ट जंक्शन. एंड इट हैज़ गिवन अ ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड रेज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड द नीड फॉर जेनरेटिंग लाइवलीहुड एट स्केल फॉर पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज़. एंड आई वुड से that this exhibition is more about discovering ability than about disability and that's the beauty of it. Mere saath hai famous personality celebrity Sandeep Marwa ji. Welcome Sandeep ji. Is event ko leke sabse pehle aap kya kehna chahenge? Mujhe badi khushi hai ki aaj main yahan is waqt is exhibition mein maujood hu. 10 aise bacche jo special children hain aur unhone 30 apne works ko yahan display kiya hai. एक से एक बढ़कर खूबसूरत है, एक से एक खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया है और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इन्हें स्पेशल चिल्ड्रन कैटेगरी में डाला जा सकता है. इतना खूबसूरत इन लोगों ने काम किया है, मैं पूरे सारे काम से बहुत प्रभावित हुआ हूं. मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद भी डिसेबिलिटी को लेकर, स्पेशल बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ. हमारी खुद की 2-3 संस्थाएँ चल रही हैं. मैंने देश में पहला फेस्टिवल शुरू किया जो डिसेबिलिटी फिल्मों को लेकर शुरू हुआ था. मैं समझता हूँ कि ये हमारा धर्म है कि देश की जनता को सेंसिटाइज किया जाए इन तमाम स्पेशल बच्चों के लिए ताकि इनके प्रति हमदर्दी के बजाय इनके प्रति एक ऐसा आव और भाव वातावरण पैदा करना चाहिए जहाँ इनका कॉन्फिडेंस जो है वो ऊपर उठे. और मैं समझता हूँ कि Atypical Advantage जो संस्था ये चला रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने ये आर्ट का डिपार्टमेंट भी खोला हुआ है, बहुत खूबसूरत काम है और ये इससे मुझे लगता है कि सभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए होंगे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसी एग्जीबिशन को लेकर मारवा स्टूडियो में भी एक शो करना चाहूँगा. मैं अभी ऑर्गेनाइज़र से बात करता हूँ और चाहता हूँ कि इन बच्चों को थोड़ी सी शोहरत और मिले, थोड़ा सा नाम और मिले. आर्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे संदीप जी? देखिए जी, सोच और भावनाएं, आपकी विचारधारा क्या हैं और आपकी भावनाएं क्या हैं वो उमड़ती हैं, जब उमड़ती हैं तो वो दोनों मर्ज होकर, अमेलगमेट होकर, एक एक होकर या तो किसी पन्नों में उतरती हैं तो वो कहानी बन जाती है, जब किसी तस्वीर में उतरती है तो वो पेंटिंग बन जाती है, जब वो किसी बड़े पर्दे पर आ जाती है तो वो फिल्म बन जाती है. और हर आदमी आर्टिस्ट है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई कला का प्रभाव होता है, सिर्फ उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन
देना पड़ता है, थोड़ा सा जोश देना पड़ता है, थोड़ी सी उनकी आपको अपनी निगाह जो है वो सीधी रखनी पड़ती है। आप समझ जाएंगे कि हर आदमी कहीं ना कहीं उस किसी न किसी आर्ट के ज़रिए अपने भावों को प्रकट करना चाहिए और कर सकता है। मेरे साथ है फेमस पर्सनालिटी सेलिब्रिटी नरेश मुदगल जी। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, चलिए उनसे बातचीत करते हैं इस इवेंट में आके उनको कैसा लग रहा है और वो उसे कैसे देखती हैं, आर्ट को आप कैसे समझती हैं। नरेश जी, देखो कि अगर हमारे जीवन में आर्ट नहीं है तो हम अधूरे हैं। तो ये कि ये मैं यहाँ पे जो पेंटिंग्स देख रही हूँ, एक नॉर्मल पेंटर तो ठीक है, लेकिन जो बच्चों का इसमें भाव है और वो भी डिसेबल बच्चों का, कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ आके और उनकी क्या एक से एक खूबसूरत पेंटिंग्स देख के। कहीं मधुबनी है तो कहीं इतना सुंदर भाव है हर पेंटिंग में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। मैं रिचा को बोलूँगी कि बहुत बहुत थैंक्स मुझे इसमें एज अ गेस्ट बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म पर आके। और ऐसे ऐसे मोटिवेशनल ये प्लेटफॉर्म्स बनते रहने चाहिए और होते रहने चाहिए। और स्पेशल आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं ये, उनको लेके आप क्या कहेंगे? समाज का ये ऐसा वर्ग है, कहीं ना कहीं हम अप्रिशिएट करते हैं लेकिन शायद अभी हम बहुत पीछे हैं उनको अपने साथ लाने में। नहीं, हम ऐसे ही एनकरेज कर करके छोटी छोटी बातों पे और छोटे छोटे उनके प्रोग्राम्स करके, ताकि उनको कहीं ये ना लगे कि हम दुनिया से अलग हैं। इवन आप देख रहे हैं कि डिसेबल बच्चे हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ गई है कि उनको कोई भी काम करने में किसी तरह का भी कोई भेदभाव की अब गुंजाइश रही नहीं है। जी थैंक यू नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ हैं सुप्रिया हून जी, जो कि सोशल वर्कर हैं, कई सालों से वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर रही हैं, आज वो भी इस इवेंट में आई हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पर आके। सुप्रिया जी वेलकम, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट को इनक्रेज किया जा रहा है, उनको उन लोगों को जो कि जिनमें कोई ना कोई कमी थी उनकी कमी को दूर किया जा रहा है, उन्हें इनकरेज किया जा रहा है, उन्हें उनकी ज़िंदगी से रूबरू कराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सबके पास सब कुछ तो होता है, जिनके पास नहीं होता उनको आगे लाना ही हमारी जीत है। और आज मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ इस एग्ज़िबिशन को देख के, उन बच्चों के काम को देख के। मैं उसकी सराहना करती हूँ कि उन्होंने अपनी कमी के होते हुए भी इतना अच्छा कार्य किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। और जिसने भी ये इवेंट को अरेंज किया है उससे तो मुझे और भी नाज हो रहा है कि वो बच्चों को इतनी आगे लेके जा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। सच में दिल खुश हो गया यहाँ आकर, ऐसा लगता है भारत आगे जा रहा है और एक दिन विश्वगुरु बन जाएगा। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेमस आर्टिस्ट काजी साहब। अगर उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रिंट हो चाहे टीवी मीडिया हो, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है उनका, बहुत अच्छा काम उनके नाम पर है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो वो नेशनल हराल के साथ एज आर्ट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं आर्ट को वो किस तरह से लेते हैं, आर्ट को हम कैसे समझें। बेसिकली आप ये सुनिए, दुनिया जब आई तो पहले आर्ट ही आई है, बाद में लैंग्वेज आई, बाद में सारी चीज़ें आई। लोगों ने एक दूसरे को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कुछ फिगर शुरू बनाने शुरू की। बड़ा टाइगर आ जाएगा तो ऐसा फिगर है, कोई अच्छा आदमी आ जाएगा अच्छी चीज़ होगी तो ये फिगर है, तो इस तरह से आर्ट शुरू हुई है। तो अब पुराने ज़माने हज़ारों करोड़ों साल पहले से आर्ट है बेसिकली जी। अब जितना टाइम चेंज हो रहा है एज़ पर द कंडीशंस उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब बहुत सारे फील्ड हो गए हैं इसमें, इसमें स्कल्पचर है, इसमें पेंटिंग है, ग्राफिक्स है, फोटोग्राफी है, मल्टीमीडिया एब्सोल्युटली, और इंस्टॉलेशन नया आया, डिजिटल मीडिया आ गया, तो आर्ट में तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है आप इसको किस तरह से पॉजिटिव लेते हैं?
बेसिकली डिजिटाइजन अच्छी बात है होना, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नया कंप्यूटर, नया सेटअप, नई चीज़ें आ रही, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है थोड़ी सी, जो नए लोग हैं जो आर्ट में आ रहे हैं वो सीधा डिजिटल आर्ट में जा रहे हैं, और डिजिटल आर्ट में जा रहे हैं तो उनको बेसिक पता नहीं है, तो वो एक इशू एक आ रहा है। तो आपको मतलब ये कहना चाहिए कि अब सडनली एक बच्चा पैदा हुआ है और उसको आपने इंग्लैंड में डाल दिया है और वो 4-5 साल में अंग्रेजी समझ गया, वो और तरह की अंग्रेजी बोलेगा, जो ग्रामर और ये सब स्टडी करके जाएगा तो अलग तरह से बात कर दूँ, बस ये डिफरेंस है। लेकिन अगर लोग बेसिक काम पढ़ें, जैसे BFA करें, प्रॉपर डिग्री पास करें, उसके साथ डिजिटल में काम करें, तो उनको बेसिक आइडिया होगा। कोई अगर आप रियलिस्टिक चीज़ अच्छा बनाएंगे तभी आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ अच्छी बना सकते हैं। अगर हम आर्ट की बात करें, बहुत ही एक वास्ट प्लेटफॉर्म है, आपका फेवरेट क्या है उसमें? नहीं, बेसिकली मुझे डेफिनेटली एक फिगरेटिव पेंटिंग पसंद है और सेमी रियलिस्टिक मुझे पसंद है, कोई सिम्बॉलिकल स्टाइल में, कोई अपने स्टाइल में कोई फिगर बनाता है वो मुझे पसंद है। एक दो होता है 100% रियलिस्टिक, बिल्कुल लगेगा आपकी फोटो आपने देख लिया, एक होता है एक अपने स्टाइल सेम आपका फेस लगे आप हैं लेकिन हो उसका स्टाइल, आर्टिस्ट का अपना स्टाइल हो, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं पिछले 22 सालों से तो नया लेआउट और इस तरह के प्रेजेंटेशन में, ब्रोशर, लोगो डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरा जो वर्किंग है वो अलग है। वर्किंग में ग्राफिक डिज़ाइन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एज एन आर्ट अप्रिशिएटर, एज ए आर्ट क्रिटिक सारी एग्जीबिशंस में जाता हूँ, उनके आर्ट के ऊपर बात करते हैं और क्रिटिकल अप्रिसिएशन करता हूँ जी। मेरे साथ हैं इस वक्त फेमस आर्टिस्ट नरेश कपूरिया जी। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो जिसको देखने से मज़ा आ जाए वही आर्ट है। और आप कैसे प्रोत्साहन करते हैं जो आर्टिस्ट हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जितने से जितने आर्टिस्ट आ सकें यहाँ पर वो आएँ और यहाँ के अपना काम डिस्प्ले करें, और हमें अच्छा लगता है कि एक दूसरे की मदद करना। जी और ख़ास करके जो आज ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है डिसेबल्ड आर्टिस्ट के लिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी हमारी फैमिली है, वो हमारे सब दोस्त हैं, अगर हम उनका हेल्प नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी मिली आज कि इतने बड़े कलाकार जो आए हैं यहाँ पर, उनके साथ मुझे, उनके साथ मैं, उनके साथ काम तो नहीं किया मैंने, पर लेकिन उनका काम डिस्प्ले किया मैं, ये इसमें मुझे बड़ी खुशी मिली है। Hi, I'm Anjali Sharma. I lead education initiatives at Charter for Compassion. I thank Richa Sahani for inviting me here. It feels overwhelming to see such beautiful artwork done by children who have different kinds of disability, but I'm sure seeing all this that, you know, this is some exceptionally brilliant work. So thank you, Atypical Advantage and Richa Sahani, for giving me an opportunity to have a look at such beautiful work. Thank you. नमस्कार, मैं रुचिका कृष्णानी, और आज का ये इवेंट बहुत अच्छा रहा और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। डिसेबिलिटी को हम सपोर्ट करते हुए जो उनकी भावनाएं हैं, एक आर्ट वैसे ही एक एक्सप्रेशन होता है अपनी फीलिंग्स का। एंड मैं इस कॉज से कम 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। आई एम अ आर्ट थेरेपिस्ट और आई कैन सीरियसली कनेक्ट टू द एग्जिबिशन वेरी मच। एंड बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ऋचा जी ने, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे आज ये आर्ट देखने का मौका मिला। हाय, मेरा नाम शुभम बंसल है, मैं एटिपिकल में हेड मार्केटिंग के रोल में हूँ। आज हम लोग एटिपिकल के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई आर्ट ऑफ द नेशन एग्जिबिशन में आए हैं, और मेरा रोल यहाँ पर बेसिकली सारे आर्टवर्क्स को प्रमोट करना और उनका मार्केटिंग करना, और जो हमारा प्लेटफॉर्म जिसके लिए काम कर रहा है, आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटी को प्रमोट करना, यही एक ऑब्जेक्टिव से हम लोग यहाँ पर आ जाए हैं। एंड आशा करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल इवेंट रहे और हम लोगों को और हमारे आर्टिस्ट लोगों को बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू। अरोड़ा, नमस्कार, मुझे यहाँ ऋचा सानी जी ने इन्वाइट किया है और मुझे आने का मौका मिला। मैंने आर्टवर्क देखा, मैं सच में हैरान रह गई कि डिसेबल बच्चों ने ये काम किया। आप अगर सच में नज़दीक से इन कलाकृति को देखें तो खुद हैरान हो जाएंगे।
डिसेबल बच्चे क्या दूसरे बच्चे भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो इन्होंने करके दिखाया है। सच में आनंद आ गया देख के, और मैं इन बच्चों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर काम किया और हमें देखने का मौका मिला। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है और मैं दलालेश्वरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में लीड डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूशन के तौर पर काम करता हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी टू पार्टनर दैट वी पार्टनर्ड विद द टिपिकल एडवांटेज टू क्यूरेट दिस आर्ट ऑफ द नेशन। Dalalit has always believed in the power of diversity and the way we involve community. We have always believed in working with the community, and this is one such initiative wherein we had brought in 10 different artists from a spectrum of disability to perform and to showcase their artworks. So it is very important for us to recognize, because until and unless you don't recognize the people from diverse sections, how will you be able to understand them and then understand the spectrum of diversity, because that's very important. And then certainly we'll come in acceptance, and then we all will be able to understand the role and responsibility that we as a citizen have for people from diverse communities. So it is very important for us to celebrate the differences, celebrate the diversity that we have around each one of us, and to appreciate and accept the people who we are directly or indirectly associating with in our daily lives. So I think this is one such celebration that we have been able to curate with a typical advantage, and it's not just one. We have one pianist working with autism spectrum at the Lalit New Delhi. We have a pianist with visual disability working with us at the Lalit Mumbai. We have a person with speech and hearing disability working with us at the Lalit Kolkata, and many more. So I think we have over 200 plus people working with disability working with us across the group. So I think this is something that we celebrate every day, and we are equally proud that we as a country are evolving and emerging as one strong nation to support and to stand by our people. So I think we are really happy. शुरू करो। मेरे साथ है नियाज, जिनकी पेंटिंग्स आप अभी ये देख रहे हैं, ये इनकी क्रिएशंस हैं। हाय नियाज, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, जब आप ये पेंटिंग्स करते हैं, ये बनाते हैं कलाकृतियाँ, तो क्या इमोशंस होती हैं आपकी, या क्या उसके पीछे रीज़न होता है? जब मैं आर्टवर्क करता हूँ तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होता हूँ, एकदम खाली, यानी कि मैं बिल्कुल कुछ सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा अकेला फील करता हूँ। और जब अकेला फील करता हूँ तो उसके बाद जो एलिमेंट्स मेरे माइंड में आते हैं, फिर वो इमेजिनेशन वो मेरे आर्टवर्क में आना स्टार्ट हो जाता है, और वो धीरे धीरे फिर हमारी सोसाइटी, हमारा नेचर, हमारी ह्यूमैनिटी, उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, मैं जो एलिमेंट्स सोचता हूँ तो वो ड्रॉ होता हुआ चला जाता है। कहा जाए ये आपकी इमोशंस हैं जो पेपर पे आप ड्रॉ करते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एवरीडे जब कुछ सोचता हूँ और या किसी इंसान से जब मिलता हूँ, हो सकता है कि शायद उसकी कुछ बातें बुरी लगी हों या अच्छी लगी हों, तो जो भी चीज़ उससे मेरे को यादें मिलती हैं, वो मैं शाम को जब रिलैक्स होता हूँ तो रात के टाइम पे उस बातों को सोचने के बाद मैं अपने उस आर्टवर्क में वो यादें ऐड करता हूँ मैं। तो किसी आर्टवर्क को आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, मैं बताना चाहेंगे ये आपने कब बनाई थी और ये इसके पीछे क्या रीज़न था? ये मेरा आर्टवर्क है डांसिंग। जब मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला था तो उनका मतलब भी ये था कि एकदम डांस करना, एकदम फ्रीडम, पूरी बिंदास एकदम। तो उसमें मैंने जब सारी चीज़ें देखी कि उनको किस तरीके से स्ट्रगल करना होता है, चाहे वो फ्यूचर में हो स्ट्रगल, और क्या कहते हैं, स्टडी में हो, किसी भी तरीके से हो, बट वो अपना पैशन नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब वही है, मुसीबतें चाहे कितनी भी हों, हमें अपना पैशन नहीं छोड़ना है। दुख मुसीबत तो हमेशा साथ चलेंगे, बट ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा इकट्ठा रखना है, एक साथ रखना है, ताकि हम कहीं गिरे नहीं, और जब गिरें तो उठें, और ऐसा उठें फिर दोबारा ना गिर पाएं। यानी आप सबकी इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसको ड्रॉ भी कर देते हैं। आपकी इमोशंस, खुद की जो इमोशंस होती हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो दूसरों की इमोशंस, यानी कि मेरी इमोशंस, मैं अपने आप को बिल्कुल एकदम आईने की तरह समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं, अगर सामने वाला जो इंसान है वो इंसान नहीं, मेरे लिए एक मिरर है, क्योंकि मैं उसके अंदर अपने आप को देख रहा हूँ। अक्सर क्या होता है कि जैसे अगर कोई मेरे सामने डांस कर रहा होता तो मैं डांस नहीं कर पाता, या अगर वो भाग रहा है तो मैं भाग नहीं पाता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने आप में फील करता हूँ, तो वो उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके, जोड़ के, फिर मैं अपने उस आर्टवर्क में लेकर आता हूँ कि वो मेरे इमोशंस हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे भागने से ही मेरी रफ़्तार तेज़ होगी, हो सकता है कि मेरे आर्टवर्क की रफ़्तार मुझसे ज़्यादा तेज़ हो।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइनों में आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है. माय नेम इज आशुतोष, ही इज माय सन ध्रुव टिक्कू. ही स्टार्टेड पेंटिंग सिंस लास्ट 3-4 इयर्स. ही हैज मेड अराउंड 300-400 पेंटिंग्स टिल नाउ, एंड आउट ऑफ व्हिच वी हैव सोल्ड अराउंड 100 पेंटिंग्स. ही लव्स टू पेंट. That's it.